हेलो फ्रेंड्स, वीकॉम ई लर्निंग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट मेनू पे बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इंसर्ट मेनू के बारे में जानेंगे। इंसर्ट मेनू क्या होता है और उसके क्या यूज होते हैं। होम मेनू हमने पहले पढ़ लिया है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इंसर्ट मेनू के बारे में पढ़ते हैं। इंसर्ट मेनू में पहला ऑप्शन है हमारा कवर पेज। ये होता है कवर पेज लगाने के लिए। जैसे हमने कोई भी टॉपिक यहाँ पे लिखा है, ये हमारा कोई मैटर हो गया हमारे पेज का। ऐसे हम कई पेज ले सकते हैं, सभी पेज पे हम कोई ना कोई मैटर टाइप किए रहते हैं। अगर हमको इस पे कवर पेज लगाना है, यानी फ्रंट पेज जो हमारा होता है वो लगाना है, तो हम एमएस वर्ड के इंसर्ट मेनू में पहले ऑप्शन यानी कवर पेज पे चले जाते हैं। तो देखिए, यहाँ बहुत से कवर पेज पहले से दिए गए रहते हैं। इनमें से किसी भी पेज को सेलेक्ट करने के लिए हम उस पेज के आइकन पे चले जाते हैं और क्लिक कर देते हैं। जैसे हमको अगर ये पेज लेना है, कवर पेज लगाना है, तो हम इस पेज पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए, वो पहला पेज हमारा आ गया, बाकी हमारा जो मैटर था वो दूसरे पेज पे चला गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे दिया है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटिल, डॉक्यूमेंट की टाइटिल हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हमको एमएस वर्ड देना है तो हम यहाँ पे एमएस वर्ड टाइप कर देंगे। यहाँ ईयर, अगर हम ईयर डालना चाहते हैं तो यहाँ से हम ईयर भी और डेट भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमको एक आइकन दिखेगा, यहाँ पे हम क्लिक करके आज का डेट या कोई भी डेट यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का सब टाइटल भी लिख सकते हैं। ये हमारा होता है कवर पेज यानी फ्रंट पेज हमारे डॉक्यूमेंट का। फिर आते हैं ब्लैंक पेज पे। दोस्तों, जब हमने पूरा पेज अभी लिखा हुआ है, सारे पेज पे हमारे मैटर है, अगर हमको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो हम ब्लैंक पेज का यूज करते हैं। ब्लैंक पेज पे हम जाएंगे तो देखिए, हमको एक नया पेज यानी एक सादा पेज पूरा मिल जाता है। जहां पे हमारा कर्सर रहता है यानी जहां पे हमारा पॉइंटर रहता है, ब्लैंक पेज हमको वहीं पे मिलता है। अगला ऑप्शन है हमारा दोस्तों पेज ब्रेक, यानी पेज को ब्रेक करना। अगर हम पेज को यहां से ब्रेक करना चाहते हैं, हमने यहां पे पॉइंटर को क्लिक किया, हम चाहते हैं इसके नीचे का मैटर दूसरे पेज पे आ जाए, तो हम पेज ब्रेक का यूज करेंगे। पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो देखिए, वहां से जहां हमने पॉइंटर रखा था वहां से हमारा पेज ब्रेक हो गया। अगर हम यहां से पेज को ब्रेक करना चाहते हैं तो पेज ब्रेक ऑप्शन से कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है। तो हम कंट्रोल के साथ अगर एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा पेज ब्रेक हो जाता है, यानी जहां पे हमारा पॉइंटर रहेगा वहां से पेज अलग हो जाता है। अगले ऑप्शन की बात करेंगे। अगला ऑप्शन हमारा है टेबल का। ये इसका प्रयोग हम करते हैं एमएस वर्ड में टेबल बनाने के लिए, यानी हमको अगर टेबल की आवश्यकता है पेज पे तो हम इसका प्रयोग करते हैं। टेबल ऑप्शन के आइकन पे चले जाएंगे, वहां क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इंसर्ट टेबल दिया है। हम जो भी टेबल, जितने भी रो और कॉलम सेलेक्ट करेंगे, देखिए वहां पे पेज पे हमारे उतना सिलेक्शन होता चला जाएगा। अब यहां से पेज पे रो और कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। हमने क्लिक किया, उतना ही रो और कॉलम यानी पूरा टेबल बन के हमारे डॉक्यूमेंट पेज पर आ गया। नीचे ड्रॉ टेबल दिया है, ड्रॉ टेबल का प्रयोग हम करते हैं अपने से टेबल बनाने के लिए। यानी इंसर्ट में तो हमें बने बनाए टेबल मिल जाता है, लेकिन ड्रॉ टेबल में हम अपनी आवश्यकता अनुसार टेबल की लंबाई चौड़ाई सेट करते हैं। ड्रॉ टेबल पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए एक पेंसिल जैसा आइकन बन के आ जाएगा। अब हम टेबल को अपनी आवश्यकता अनुसार जितना छोटा या बड़ा बनाना रहेगा वैसे हम बना सकते हैं। इसके रो और कॉलम को भी
हम अपनी आवश्यकता अनुसार पतला, चौड़ा और मोटा कर सकते हैं। जैसा भी बनाना चाहें, ड्रॉ से हम उसको बना सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आएंगे, देखिए जब ड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो एक डिजाइन ऑप्शन आ जाएगा जिसमें बॉर्डर दिया है। यहाँ से हम बॉर्डर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये इरेजर दिया गया है। अगर हमको इसमें से कोई भी लाइन मिटानी है तो हम इरेजर के प्रयोग से मिटा सकते हैं। इरेजर पे क्लिक करके हमको जो लाइन मिटानी है उस पर क्लिक कर देंगे और वो पूरी तरह से इरेज हो जाएगा। तो ये ड्रॉ ऑप्शन का यूज है। हम टेबल को सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। फिर हमारे टेबल ऑप्शन पे हमने ये टेबल को फिर से क्रिएट किया। क्रिएट करके हम इस पे कोई भी डेटा टाइप कर देते हैं, जैसे नेम, हमने इसमें लिख दिया नेम, यहां पे लिख दिया क्लास, यहां पे सब्जेक्ट, हमने यहां पे उसकी डेट को फिल कर दिया, इसमें हमने मार्क्स को फिल कर दिया, कंटेंट को रेडी करेंगे। अब हम इस पे टेबल ऑप्शन के और भी चीजों को जानते हैं। ये हमने टेबल को क्रिएट कर लिया। जब हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहां पे हमारे ऑप्शन आ जाता है डिजाइन। डिजाइन के बारे में जानकारी लेंगे कि डिजाइन क्या होता है। डिजाइन में हम आएंगे, यहां पे देखिए दिया है रो हेडर। यहां पे पहले देखिए बहुत से टेबल के स्टाइल दिए गए हैं। हम जिस स्टाइल में चाहें उस स्टाइल में अपने टेबल को यहां से रख सकते हैं। देखिए जिस भी स्टाइल का यूज करेंगे उस स्टाइल में टेबल हमारा यहाँ पे बन के आ जाएगा। टेबल के फॉर्मेट को हम बदल सकते हैं। अब आ गया टेबल हेडर रो। ये होता है जो हमारे टेबल की हेडिंग होती है उसको चेंज करने के लिए। अगर हम हेडर रो पे क्लिक करेंगे तो वो डार्क रहेगा, अगर यहां से हम हटा लेते हैं तो हमारा टेबल एकदम सिंपल फॉर्मेट में हो जाएगा। अगर हम रो को ऐसे ही करना चाहते हैं, जब हमने यहाँ पे क्लिक किया है हम रो को करना चाहते हैं, हेडर को हमने हटा दिया, हम चाहते हैं ये पूरा रो हो जाए, तो क्लिक किया यहाँ पे रो को हमने लास्ट वाले टोटल रो, यानी ये टोटल करने वाला रो है हमारा लास्ट वाला, ये देखिए डबल अंडरलाइन में हो जाएगा। और ये है बेंड एंड रो, यानी पूरे रो को हटाने के लिए हम बेंड एंड रो पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे सारे रो हट जाते हैं। फिर इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सारे रो आ जाते हैं। सेम ऐसे ही दिया है बेंड एंड कॉलम। अगर हम बेंड एंड कॉलम पे क्लिक करते हैं तो देखिए सब पे कॉलम भी बन के आ गया। अगर हम हटा लेते हैं तो सारे कॉलम्स हट जाते हैं। तो रो और कॉलम को हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और हेडिंग को डार्क करने के लिए हम इस पे क्लिक करते हैं। लास्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम, ये देखिए फर्स्ट कॉलम पे क्लिक किया, अभी फर्स्ट यहां पे नॉर्मल है, फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करते ही देखिए एक थोड़ा डार्क हो जाएगा, यानी बोल्ड में हो जाएगा हमारा पहला कॉलम। और लास्ट कॉलम करेंगे तो हमारा ये लास्ट यानी साइंस वाला कॉलम देखिए ये डार्क हो गया। अगर हम क्लिक कर देते हैं तो वो हट जाता है, और फर्स्ट पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट वाला भी हट जाता है। तो ये हमारा टेबल का स्टाइल ऑप्शन था। फिर ये आता है बॉर्डर, यानी टेबल पे बॉर्डर बनाने के लिए। अभी तो टेबल पे बॉर्डर बना हुआ है, अगर बॉर्डर नहीं रहता है, हमारा टेबल सिंपल फॉर्मेट में रहता है, तो टेबल पे बॉर्डर बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है प्लेन टेबल, अभी प्लेन टेबल कर देंगे तो प्लेन टेबल हो जाएगा। यहां से अगर हम कोई फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस फॉर्मेट में हो जाता है। यहाँ पे टेबल का बॉर्डर दिया है, अगर हम टेबल पे बॉर्डर बनाना चाहें, जैसे देखिए अभी बीच बीच में कोई भी लाइन ही नहीं है, अगर हम टेबल पे बॉर्डर बनाना चाहें तो ऑल बॉर्डर दिया है, आउटसाइड दिया है, यानी बस टेबल के किनारे किनारे पे बॉर्डर बनाना है तो आउटसाइड, पूरे टेबल में बॉर्डर बनाना है तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे
तो पूरा ऑल बॉर्डर सेलेक्ट हो जाएगा। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद हम ऑल बॉर्डर पे जाके डिजाइन में जाएंगे और ऑल बॉर्डर पे जाके क्लिक करते हैं तो देखिए पूरे पेज पे हमारे टेबल बन गया। फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे, ये है कलर देने के लिए। अगर हम कोई भी कलर देना चाहें, किसी को हाईलाइट कराना चाहें किसी एक सेल को, तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद डिजाइन में जाके सेटिंग में जाके उसको हम यहां से हाईलाइट करा सकते हैं किसी भी कलर में। अभी देखिए ये अलग कलर में हाईलाइट हो गया। अगर हमको हटाना है इसको तो हम फिर उसको सेलेक्ट करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और नो कलर कर देंगे, वो वापस उसी कलर में हो जाएगा। डिजाइन व्यू में अगला यहाँ पे पेन का कलर दिया गया है, हम पेन का भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ड्रॉ टेबल, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये अपनी आवश्यकता अनुसार टेबल को बनाने के लिए और इरेजर किसी भी सेल को मिटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद लेआउट में आ जाते हैं। डिजाइन के बगल ये है लेआउट, ये है सेलेक्ट। अगर सेल को सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करते हैं, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हमको ये कॉलम सेलेक्ट करना है पूरा, तो हम यहां पे जाके सेलेक्ट कॉलम कर देंगे तो देखिए पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अगर रो को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट रो करेंगे तो देखिए वो रो सेलेक्ट हो गया जहां पे हमारा कर्सर था। और पूरे टेबल को सेलेक्ट करने के लिए यहां पे सेलेक्ट टेबल ऑप्शन दिया गया है। व्यू ग्रिड लाइंस, अभी तो देखिए ये लाइनें बनी हुई हैं, जब ये लाइनें इस पे नहीं रहती यानी हम इसको हटा देते हैं तो देखिए यहां पे अब डिजाइन व्यू से हम हटा देंगे, फिर हम लेआउट में आएंगे, व्यू ग्रिड लाइंस करेंगे तो देखिए ग्रिड लाइंस हमारे टेबल पे आ गए। और लाइनों को हटाने के लिए फिर इसी पे क्लिक कर देंगे तो लाइन हट जाएगा। तो ग्रिड लाइन को शो और हाइड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रॉपर्टी ऑप्शन का यूज होता है जब हमारा टेबल थोड़ा सा छोटा रहता है। अभी तो ये टेबल पूरे पेज पे है, यानी पूरे पेज पे बहुत बड़ा टेबल है। अगर टेबल छोटा रहता है तो उसे हम लेफ्ट सेंटर और राइट में करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। डिलीट, ये होता है हमारा सेल रो कॉलम इन सबको डिलीट करने के लिए। जैसे हमको ये अगर हमको पूरा कॉलम डिलीट करना है तो हम डिलीट पे जाएंगे, यहाँ कॉलम दिया है, कॉलम डिलीट करेंगे तो देखिए साइंस का कॉलम डिलीट हो गया। जहां पे हमारा माउस पॉइंटर रहेगा वो कॉलम हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट सेल, अगर हमको कोई सेल डिलीट करनी है, जैसे नीचे का सेल हमको डिलीट करना है ये पूरा सी वाला, तो हमने सी पे क्लिक कर दिया, डिलीट सेल यानी डिलीट रो पे क्लिक किया तो देखिए वो रो हमारा डिलीट हो गया। फिर हम आ जाएंगे लेआउट पे, डिजाइन के बगल लेआउट में, ये है इंसर्ट, यानी रो को इंसर्ट करने के लिए। अबव मतलब होता है ऊपर। अगर हमको सी के ऊपर रो चाहिए तो हम यहां क्लिक कर देते हैं और इंसर्ट अबव कर देते हैं तो देखिए सी के ऊपर हमको एक और मिल गया। इसका डिजाइन चेंज कर देते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं। अभी देखिए डिजाइन चेंज हो गया। अगर हमको यहां पे इसके फॉर्मेट को बदलते हैं पहले, एक मिनट, अभी हम इसको सामान्य फॉर्मेट में रखते हैं। अब हमको आते हैं लेआउट में, लेआउट में हम इंसर्ट अबव पे थे। अगर हमको सी के ऊपर एक कॉलम चाहिए यानी सॉरी एक रो चाहिए तो हम इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक रो पूरा हमें मिल जाएगा। अगर हमें कॉलम चाहिए तो हम कॉलम ले सकते हैं, लेआउट में जाएंगे। और अगर नीचे रो चाहिए, सी के नीचे रो चाहिए तो बिलो कर देंगे, इंसर्ट बिलो, तो देखिए सी के नीचे रो मिल जाएगा। यानी रो लेना है तो इंसर्ट अबव करेंगे तो ऊपर, बिलो करेंगे तो नीचे, जहां पे चाहिए माउस पॉइंटर को वहां पे रख के हम रो को ऊपर या नीचे ले सकते हैं। सेम है कॉलम, कॉलम हमेशा हमें लेफ्ट और राइट में मिलेगा। अगर हमको कॉलम चाहिए जैसे क्लास पे हमारे लेफ्ट में चाहिए तो हम यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट करते हैं तो देखिए क्लास के लेफ्ट में हमको एक कॉलम मिल गया। अगर हमको राइट में चाहिए तो इंसर्ट राइट करेंगे तो हमें क्लास के राइट में एक ब्लैंक कॉलम मिल गया।
अब हम बात करते हैं मर्ज सेल की। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना, दो या दो से अधिक सेल को अगर हमको जोड़ना है तो हम मर्ज सेल का यूज करते हैं। पहले हम एक यहाँ पे नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ये हमने टेबल क्रिएट कर लिया। अगर हमको टेबल की ऊपर की लाइनों को एक में जोड़ना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम लेआउट में जाएंगे और मर्ज सेल कर देंगे, तो जितना हमने सेलेक्ट किया है वो सब देखिए एक ही कॉलम में हो जाएंगे। अब देखिए अगर हमको इन दोनों को मर्ज करना है तो इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, मर्ज सेल में जाएंगे तो देखिए दोनों सेल आपस में जुड़ गए। ये होता है हमारा मर्ज सेल। लेआउट में आएंगे, स्प्लिट सेल। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, यानी एक सेल को दो या दो से अधिक भागों में बांटना। ये हमारा एक सेल है, इस सेल को दो भागों में अगर हमें बांटना है तो स्प्लिट सेल पे जाएंगे। पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, यानी इस सेल के अंदर कितने कॉलम चाहिए और कितने रो चाहिए। मान लीजिए हमने कर दिया दो कॉलम और दो रो चाहिए, ओके किया। देखिए उस सेल में हमको दो कॉलम और दो रो मिल गए, तो ये हमारा स्प्लिट सेल था। ऐसे ही स्प्लिट टेबल है, अगर हमको टेबल को दो भागों में बांटना है तो हम क्लिक कर देते हैं, जहां पे हमको टेबल अलग करना है पॉइंटर वहां पे रखते हैं और स्प्लिट टेबल कर देते हैं, तो देखिए टेबल हमारा दो भागों में बट गया, यानी दो भागों में हो गया। लेआउट में आते हैं, अगला है हाइट और विड्थ, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके हाइट बढ़ानी है तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे क्लिक करते जाएंगे, जितना हाइट को बढ़ाना है क्लिक करते जाएंगे, देखिए हाइट बढ़ती चली जाएगी। वैसे ही हमारा विड्थ है, यानी चौड़ाई, अगर हम चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्लिक करते जाएंगे तो देखिए उस रो की चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी। ऐसे पूरे को बढ़ाना है तो पूरे को सेलेक्ट करके उसकी चौड़ाई को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और हमारा दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड रो। डिस्ट्रीब्यूटेड रो इसका मतलब होता है अगर हमने जैसे कोई रो को डिजाइन किया हुआ है यहाँ पे, या रो को बनाया हुआ है यहाँ से, देखिए जैसे हमने ये नया टेबल हमने क्रिएट कर लिया। नया टेबल क्रिएट करने के बाद हम इसकी रो को छोटा कर लेते हैं, रो को हमने छोटा कर लिया। अब हमें इन दोनों को बराबर करना है तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड रो करेंगे, यहां से आके सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड रोज, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम करेंगे तो हमारा सभी कॉलम आपस में बराबर में बढ़ जाएगा। अगर वो डिफरेंट में है, जैसे देखिए अभी हमारे क्या है, दो कॉलम छोटे हैं और एक कॉलम बड़ा है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो कॉलम हमारे सभी एक समान हो जाएंगे। वैसे ही हमारा रो होता है, अगर हमारा रो बड़ा या छोटा है तो हम उसको भी बराबर कर सकते हैं। अभी ये सब असमान रूप से हैं तो हम लेआउट में जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटेड रो कर देंगे तो सभी समान आकार में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर आते हैं हम अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट क्या होता है, जो हमारा लिखा गया टेक्स्ट है वो कहाँ पर स्थित रहे। जैसे हम नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं, अभी हम नेम लेफ्ट में है, हम सेंटर में करना चाहें तो सेंटर में कर दें, राइट में करना चाहें तो राइट में कर दें, देखिए भी ये राइट में आ गया। फिर से हम उसको सेलेक्ट करेंगे, अगर हमको लेफ्ट में रखना है, उसको जिस भी स्थिति में रखना है, नीचे ऊपर या बीच में, हम उसे उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर हम इस पे आ जाएंगे लेआउट वाले ऑप्शन में। यहां टेक्स्ट का डायरेक्शन दिया है, हम टेक्स्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जहां पे हमारा पॉइंटर है अगर हम डायरेक्शन उसका चेंज कर दें तो देखिए वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसी भी फ्रेम में आ सकता है। यहां पे सेल की मार्जिन दी गई है, एक सेल की मार्जिन को हम यहां से सेट कर सकते हैं कि सेल की मार्जिन कितनी रहे। यहां से हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, यानी टॉप पे कितना रहे, बॉटम में कितना रहे, राइट में कितना रहे, उसको यहां से हम सेट करके ओके कर देंगे तो
सभी सेल की देखिए आकार वैसे ही परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ पे सेल के मार्जिन से सॉल्ट, ये होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, यानी आरोही और अवरोही क्रम में करने के लिए। अभी ये डेटा हमारा ए बी सी, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सॉल्ट ऑप्शन पे चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग दिया है। सॉर्ट में हम आएंगे, यहाँ देखिए कॉलम वन दे रहा है। अगर हम यहाँ हेडर रो दे देते हैं तो देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है। हम नो हेडिंग, नो हेडर पे आ जाएंगे और हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कर देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए हमारे डेटा सभी चेंज हो गए, यानी सी ए फिर बी फिर ए हो गया। हम आ जाएंगे फिर से सॉर्ट में, यहां से हम फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही और अवरोही क्रम को करना है। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को टेबल में बदलना और टेबल को टेक्स्ट में बदलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अभी ये हमारा टेबल है, इसको हमको टेक्स्ट में बदलना है तो हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट में आ जाते हैं। अगर हमें पूरे टेबल को कॉमा में जैसे परिवर्तित करना है तो हमने कॉमा में क्लिक किया और ओके कर दिया। तो देखिए हमारे जितने भी हमारे थे टेबल वो सब हटके कॉमा में कन्वर्ट हो गए। फिर हम आ जाएंगे लेआउट व्यू में, यहां से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अदर्स में, किसी में, या पैराग्राफ मार्क्स में। ये आता है हमारा फॉर्मूला, इसको हम करते हैं यूज फॉर्मूला लगाने के लिए। जैसे हम लास्ट वाले अगर सेल को मिटा देते हैं इसके डेटा को, हम अगर टोटल नंबर यहां पे करना चाहें तो हम यहां से फॉर्मूला से उसको कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर टोटल लिख दिया, अब यहां पर हमको पूरे नंबर को एड करके लाना है तो हम टोटल करते हैं और फार्मूला वाले ऑप्शन पे जाते हैं, इक्वल सम लेफ्ट लिखा रहता है, हम ओके कर देते हैं, वो जोड़ के पूरा इसमें आ जाता है। वैसे ही इसमें करना है तो हम जाएंगे फार्मूला में, इक्वल सम, अगर हमको इसमें भी लेफ्ट किन नंबरों को जोड़ना है तो लेफ्ट लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और ओके करते हैं, तो हमारे लेफ्ट के जितने भी नंबर हैं वो जोड़ के यहाँ पे आ जाते हैं। राइट में अगर जोड़ना है हमको तो हम यहाँ से टेक्स्ट को मिटाते हैं, अगर हमको यहाँ पे जोड़ के लाना है, इधर के नंबरों को जोड़ के यहाँ पे लाना है तो हम फार्मूला का यूज करते हैं, सम राइट लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और ओके कर देते हैं, तो राइट के नंबरों को जोड़ के यहाँ पे आ गया। अगर ऊपर के नंबर को जोड़ के नीचे लाना है तो एबव लिख देते हैं, अगर ऊपर जोड़ के लाना है तो डाउन लिख देते हैं, इससे हमारे सारे नंबर जोड़ के आ जाते हैं। अब हम लेआउट मेनू को पूरा पढ़ चुके हैं। ये हमारा डिजाइन और लेआउट, ये दोनों हमारा जब हम टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल में रहेंगे तभी ये दोनों शो करेंगे। जैसे ही देखिए हम टेबल के बाहर आ जाते हैं तो डिजाइन और लेआउट दोनों मेनू चले जाते हैं। ये दोनों ऑप्शन तभी शो करेंगे जब हम टेबल के अंदर काम करेंगे। जैसे ही टेबल में आते हैं तो देखिए डिजाइन व्यू और लेआउट व्यू दोनों हमारे इसमें आ जाते हैं। तो जैसा कि आपने डिजाइन व्यू पढ़ा जिसमें हमने हेडिंग, टोटल रो और बैंड इन रो, फर्स्ट लास्ट कॉलम, बैंड इन कॉलम, ये सब पढ़ा, और ये टेबल की स्टाइल दी गई है, हम किसी भी स्टाइल में टेबल को रख सकते हैं। हमने ये पढ़ा टेबल पे बॉर्डर लगाना, टेबल को ड्रॉ करना, इरेजर से मिटाना, लेआउट में हमने टेबल को सेलेक्ट करना, ग्रिड लाइन लाना, प्रॉपर्टीज के अनुसार टेबल को लेफ्ट राइट सेंटर में रखना, टेबल को डिलीट करना, सेलेक्ट करना, ये सब सीखा, टेबल को स्प्लिट करना, ये सारी चीज हमने इंसर्ट मेनू के टेबल ऑप्शन में पढ़ा। अब हम आते हैं पिक्चर, ये होता है पिक्चर को इंसर्ट कराने के लिए। हम पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, हम कोई भी पिक्चर यहां से इंसर्ट करा सकते हैं। जो भी पिक्चर हमारे जिस भी हमारे फोल्डर में रखा गया है या डेस्कटॉप पे रखा गया है, हम उस पर क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो देखिए पिक्चर बन के हमारा पूरा हमारे स्क्रीन पे आ जाता है। जैसे ही यहां पे आता है देखिए एक व्यू के बगल एक फॉर्मेट ऑप्शन जुड़ गया। जैसे हमने टेबल में देखा था हमारा डिजाइन और लेआउट जुड़ गया था, वैसे ही पिक्चर पे क्लिक करने के बाद एक नया ऑप्शन फॉर्मेट जुड़ गया। फॉर्मेट का मतलब होता है इस पिक्चर की
फॉर्मेटिंग करना, जैसे ब्राइटनेस, हमको इसकी ब्राइटनेस को कम करना है। पहले तो हम इस इमेज को छोटा कर लेंगे थोड़ा, अब हम इस पे इफेक्ट को देखेंगे। ब्राइटनेस यहाँ पे देखिए, ब्राइटनेस हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने इमेज की, जैसा भी ब्राइटनेस आप करना चाहें तो यहां से सेट कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है, उसके अनुसार भी हम इसको सेव कर सकते हैं। रीकलर यानी इसके कलर को भी आप बदलना चाहें, देखिए यहाँ पे रीकलर के लिए भी बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं जिनके द्वारा आप इनको चेंज कर सकते हैं। फिर आते हैं, ये देखिए हमारा दिया पिक्चर की स्टाइल। अब हम पिक्चर को किसी भी स्टाइल में यहां से कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत से स्टाइल यहाँ पे दिए गए हैं, जिस भी स्टाइल में आप चाहें इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से देखिए स्टाइल आपको दिए गए हैं, आप जिस स्टाइल में रखना चाहेंगे उस स्टाइल में अपने इमेज को आप रख सकते हैं। अगला ऑप्शन यहां से चलते हैं हम, यहां रीसेट दिया है पिक्चर को, फिर से अगर हमको पुनः उसी स्थिति में रखना है जैसे हमारा पिक्चर था तो हम रीसेट पे क्लिक कर देंगे, हमारा पिक्चर फिर से जैसे पहले फॉर्मेट में था वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, पिक्चर सेव। इसी में पिक्चर सेव भी दिया गया है हमारे फॉर्मेट में ही, पिक्चर अगर इस इमेज को हम किसी सेप में कन्वर्ट करना चाहें तो यहां पे देखिए फॉर्मेट में आते ही हमको यहां पिक्चर सेप दिया गया है, जिस सेप में आप पिक्चर को रखना चाहते हैं उस सेप में आप यहां से पिक्चर को रख सकते हैं। देखिए बहुत से सेप दिए गए हैं, हम जिस सेप में कन्वर्ट करना चाहेंगे वहां से हम पिक्चर को उसी सेप में कन्वर्ट कर लेंगे। यहां पे देखिए बहुत सारे यहां पे सेप बने हैं, जिस शेप में आप रखना चाहते हैं उस शेप में इमेज को अपने कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां दिया है पिक्चर बॉर्डर, यानी इसके बॉर्डर को अगर हम किसी कलर में करना चाहें तो यहां देखिए इसके बॉर्डर को भी कलर करने के लिए दिया गया है, हम बॉर्डर को भी कलर कर सकते हैं यहां से पिक्चर के बॉर्डर को। यहां पे दिया है पिक्चर इफेक्ट, अगर पिक्चर पे कोई इफेक्ट आप डालना चाहते हैं तो देखिए बहुत से यहां इफेक्ट दिए गए हैं, आप किसी भी इफेक्ट पे जाके पिक्चर को कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। पोजीशन, यहां देखिए पोजीशन दिया गया है, आप कहां रखना चाहते हैं, अगर कोई मैटर लिखा गया है उसके बाद आप इमेज को कहां रखना चाहते हैं तो आप उसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर यहां पे कोई मैटर लिख दिया गया तो आप इमेज को कहां पे रखना चाहते हैं उस हिसाब से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैटर लिखने के बाद हम इमेज पे आएंगे, फॉर्मेट में आएंगे, पोजीशन में आएंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सा दिया गया है, हम जिस स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे हमारा टेक्स्ट उसी हिसाब से इमेज के पास आ जाएगा। जैसे इमेज नीचे है इसमें टेक्स्ट ऊपर है, अगर हमको टेक्स्ट ऊपर नहीं करना है तो हम इमेज को ऊपर करना चाहते हैं तो इमेज को ऊपर कर लेंगे, टेक्स्ट को नीचे कर लेंगे, लेफ्ट राइट सेंटर, इमेज को जहां हमको स्थित करना है वहां पे हम उसको स्थित कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा ब्रिंग टू फ्रंट, यानी अगर हम टेक्स्ट को फ्रंट पे लाना चाहते हैं या इसको बैक ले जाना चाहते हैं, इमेज को बैक करना चाहते हैं, टेक्स्ट को इमेज पर लिखना चाहते हैं तो हम यहां आ जाएंगे, सेंड टू बैक कर देंगे तो ये बैक में हो जाएगा। अभी हम इस पे रखेंगे तो हमारा टेक्स्ट अभी इस पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सेंड टू बैकग्राउंड। अभी हम रखेंगे तो ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड। यहां पे टेक्स्ट रैपिंग पे आएंगे, टेक्स्ट रैपिंग में आने के बाद इन बिहाइंड द टेक्स्ट, अगर हम बिहाइंड द टेक्स्ट कर देते हैं तो देखिए हमारा इमेज जो है वो टेक्स्ट के पीछे हो जाता है। अगर हमको फ्रंट पे करना है, अगर इमेज फ्रंट पे रहे टेक्स्ट पीछे रहे तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं तो टेक्स्ट के फ्रंट पे हमारा इमेज हो जाता है, हमारा लिखा गया टेक्स्ट पीछे चला जाता है। फिर से अगर हमें टेक्स्ट वापस लाना है तो हम इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे और बिहाइंड द टेक्स्ट कर देंगे तो देखिए टेक्स्ट हमारा ऊपर आ गया और हमारा इमेज पीछे चला जाता है। तो ये हमारा इमेज ऑप्शन था, यानी पिक्चर ऑप्शन, पिक्चर में जाएंगे तो हमको फॉर्मेट ऑप्शन मिलेगा। इसको अगर हम रोटेट कराना चाहें तो हम रोटेट भी करा सकते हैं,
वर्टिकल हॉरिजेंटल जैसे भी स्थित करना चाहें वैसे स्थित कर सकते हैं। अगर हम क्रॉप करना चाहें तो इमेज को यहाँ से हम क्रॉप भी कर सकते हैं, जितना भी क्रॉप करना चाहें उसको यहाँ से हम क्रॉप कर सकते हैं। तो इंसर्ट में ये हमारा पिक्चर ऑप्शन था। अब आते हैं क्लिप आर्ट पे। क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे, ये भी एक प्रकार का इमेज हमको प्रदान करता है। क्लिप आर्ट में हम आएंगे, यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्लिप दिया गया है, इस पे क्लिक करते ही हमको यहाँ पे ऑफिस कलेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्लस पे, देखिए हमको हर फैकल्टी से रिलेटेड इमेज मिल जाएंगे, बने बनाए इमेज होते हैं ये। हमको जो भी इमेज चाहिए होता है, जिस फैकल्टी के इमेज चाहिए हम उस पे क्लिक करते हैं, और जो भी इमेज चाहिए उस पे लेफ्ट क्लिक करके उसे ड्रैग करा के अपने पेज पे लाके छोड़ देते हैं, तो इमेज हमें यहाँ से मिल जाएगा, जिसको हम कम या छोटा यहाँ से कर सकते हैं, कम या ज्यादा जो भी करना है उसको रीसाइज यहाँ से कर सकते हैं। ये होता है क्लिप आर्ट से इमेज को लाना। क्लिप आर्ट पे जाएंगे, ऑर्गेनाइज क्लिप से जाके हम ऑफिस कलेक्शन से उस इमेज को प्राप्त कर सकते हैं, जो भी इमेज हमें चाहिए जिस भी फील्ड से। तो डिलीट करते हैं, चलते हैं अगला सेप। ये कुछ सेप होते हैं जो बने बनाए रहते हैं, इनको लेने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये सेप दिया गया है, हम सेप को क्रिएट कर सकते हैं यहां से। अभी इंसर्ट में आएंगे और भी देखिए बहुत से सेप दिए गए हैं, जो भी आपको बनाना हो यहाँ से, स्टार या जो भी बनाना हो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए सेप की स्टाइल दी गई है, कलर दिया गया है, हम उसको सेप को कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफेक्ट दिया गया है, यहाँ से आप कोई भी इफेक्ट उस पर ला सकते हैं। 3D इफेक्ट दिया गया है, 3D इफेक्ट भी इमेज पे ला सकते हैं। यहां से देखिए बहुत से इफेक्ट दिए गए हैं, आप जिस इफेक्ट में चाहेंगे उसमें उसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये शैडो स्टाइल है, अगर आप शैडो स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप शैडो स्टाइल में भी इसको रख सकते हैं। बाकी ये होता है रोटेट कराना, हम इसको रोटेट भी करा सकते हैं और इसको शैडो स्टाइल में भी रख सकते हैं। पोजिशन सेम है, पोजिशन जैसे हमने इमेज की रखी वैसे हम इसको भी लेफ्ट राइट सेंटर जहां पे भी रखना चाहें वहां पे भी इसको रख सकते हैं। सेप के बाद आता है स्मार्ट आर्ट। ये होता है हमारा डायग्राम बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार के डायग्राम इसमें दिए गए रहते हैं जिनकी सहायता से हम डायग्राम बना लेते हैं। लाइफ साइकिल बनाना है उसे हम यहाँ से बना सकते हैं। देखिए बहुत से टाइप के यहाँ पे बनाए गए हैं, इसमें से कोई भी हमको बनाना है उस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमको लाइफ साइकिल बनाना है तो हम इस पर क्लिक किया, ओके किए, देखिए वैसे ही हमारा यहाँ पे बन के आ जाता है। हम जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहें वो टेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ए कर दिया, यहाँ पे हमने बी कर दिया, यहाँ पे हमने सी किया, डी किया और यहाँ पे ई किया। ऐसे ही अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम बढ़ाते रहते हैं और इसको कन्वर्ट करते रहते हैं। ये लाइफ साइकिल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें भी बहुत से टाइप के स्टाइल दिए गए हैं, देखिए आप किसी भी स्टाइल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ कलर दिया गया है, अगर आप कलर में भी बनाना चाहते हैं तो बहुत से टाइप के कलर हैं यहाँ पे, हम उसको किसी भी कलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एडिट से, अगर हमको सेप ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक किया, दिया है आफ्टर या बिफोर। अगर हमको आफ्टर करना है तो हम आफ्टर में क्लिक करते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे आफ्टर पे क्लिक किया, आप ऐड करते जाएंगे। और बिफोर, अगर हमको इसके बाद में करना है तो इसके बाद में भी हम क्लिक कर सकते हैं। चलते हैं अब अगले ऑप्शन पे, इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। इंसर्ट मेनू के अगला ऑप्शन है हमारा चार्ट। ये होता है पूरा चार्ट प्रिपेयर करने के लिए। इसके दौरान हम विभिन्न प्रकार के चार्ट को बनाते हैं। बहुत बार चार्ट के टाइप पूछता है, तो जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सारे चार्ट बनाए जाते हैं। इनको हम एमएस एक्सेल में विस्तार से पढ़ेंगे। अब आता है हाइपरलिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+K होती है, जो बहुत बार पूछा गया है। Ctrl+K होता है किसी भी टेक्स्ट का लिंक ऐड करने के लिए। हमने जैसे कोई भी मैटर लिखा, अगर हम अपनी फाइल का कोई लिंक रखना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। ये सब फाइलें देखिए पहले से बनाई गई हैं। अगर हमें किसी भी फाइल का लिंक रखना होगा तो हम उस फाइल पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए एक लिंक आ गया यहाँ पे। अगर हमको वो फाइल ओपन करनी है तो हम यहाँ पे जाके सीधे ओपन कर सकते हैं।
हाइपरलिंक का कलर है बाय डिफॉल्ट ब्लू होता है यानी नीला होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है कि हाइपरलिंक का कलर बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, तो हाइपरलिंक का कलर ब्लू होता है। जब हम इस पे जाएंगे तो यहां देता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलोइंग लिंक, हम कंट्रोल बटन के साथ लेफ्ट क्लिक कर देते हैं, यस करेंगे और वो फाइल तुरंत ओपन हो जाएगी जिसकी लिंक हमने रखी है। तो हम अपनी फाइल को बना के उसका लिंक यहाँ पे रख सकते हैं हाइपरलिंक के द्वारा। यहाँ पे देखिए बहुत सी फाइलों के लिंक दिए गए हैं, यहाँ लोकेशन दिया गया है, हम अपनी फाइलों के लोकेशन को चॉइस करके लिंक को अपने पेज पर रख सकते हैं। जो भी फाइल की लिंक रखनी है उस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है, उसकी लिंक तुरंत हमारे पेज पे आ जाएगी। अगला ऑप्शन है हमारा बुक मार्क। बुक मार्क क्या होता है? हमने टेक्स्ट को लिखा, जैसे हम कोई भी टेक्स्ट अगर पढ़ते हैं, कोई भी टेक्स्ट हमने लिखा, अगर हम कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं, बहुत लंबा टेक्स्ट है तो हम उसको पढ़ते हैं, अगर हम बीच में टेक्स्ट को बंद करना चाहें, जैसे हम बुक में कोई भी चीज रख देते हैं या कोई रिबन रख देते हैं ताकि हमको याद रहे कि हमको यही पेज पढ़ना है फिर से, सेम वैसे ही काम करता है बुकमार्क। बुकमार्क में जैसे हम जो भी टॉपिक हम क्लोज कर रहे हैं या जहां से हमको नई टॉपिक पढ़नी है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, पहले उसको हाईलाइट कर लेते हैं, यहां से हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब हम आते हैं इंसर्ट मेनू में, बुकमार्क ऑप्शन है, बुकमार्क में हम जाएंगे तो हम यहाँ पे नेम ऐड कर देते हैं, पूछ रहा है बुकमार्क नेम, हम यहाँ पे कोई भी नाम ए बी सी जैसे नाम हमने दिया इसको हमने ऐड कर दिया। अभी हम फिर से कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या किसी दूसरे दिन हमने फिर से वो पेज ओपन किया, अभी तो एक पेज है तो हमको मिल जा रहा है, अगर ढेर सारे पेज ढेर सारे मैटर लिखे रहते हैं तो हमको वो टॉपिक नहीं मिलती। तो हम पढ़ रहे हैं, हमको दूसरे दिन हमको उसी टॉपिक से पढ़ना है तो हम बुकमार्क ऑप्शन पे जाएंगे और जो टॉपिक हमने छोड़ी है उसको हमने सेव किया हुआ है हम सीधे गो टू कर देंगे, तो देखिए हम तुरंत वहां पे पहुंच गए जिस टॉपिक से हमको पढ़ना था। ये है हमारा बुकमार्क ऑप्शन। फिर आते हैं क्रॉस रेफरेंस। ये भी हाइपरलिंक की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रॉस रेफरेंस। इसको हम कैसे जानेंगे, हमने ये पूरा मैटर लिखा हुआ है, पहले हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, तो हम इस मैटर को डिलीट करते हैं, एक पेज हमारा ब्लैंक हो गया यहां पे पहले, हम कंट्रोल इंटर करेंगे, दूसरे पेज से हम कोई हेडिंग बना लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया एमएस वर्ड हमने लिखा, एमएस वर्ड के बारे में हम कुछ भी लिख देंगे मैटर, ऐसे ही फिर हम कंट्रोल इंटर करके दूसरा पेज लेंगे एमएस एक्सेल लिखेंगे, इसके में इसमें भी कोई भी मैटर हम टाइप कर लेंगे। अब हम इन दोनों को हेडिंग में कन्वर्ट करते हैं, यानी अपनी जो हेडिंग है इसको सेलेक्ट करेंगे, होम ऑप्शन पे आएंगे और यहां पे दिया है हेडिंग वन, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा हेडिंग बन जाएगा। सेम वैसे ही एमएस एक्सेल को भी हम सेलेक्ट करेंगे और यहां पे हेडिंग में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने पहले पेज पे यानी इंडेक्स पेज पे, यहां पे हम इसको इंडेक्स में टाइप कर लेते हैं, हमने इंडेक्स लिखा, इसकी साइज को हमने बड़ा कर लिया और इसको हमने सेंटर में रख लिया। अब हम इंडेक्स बनाते हैं जैसे किसी पेज का, टेबल में आएंगे, पहले टेबल कन्वर्ट कर लेंगे यहां से। अब हम इसमें डाल देते हैं सीरियल नंबर, यहां पे डाल देते हैं टॉपिक, यहां पे पेज नंबर। अब हम सीरियल नंबर में 1 टाइप करते हैं और टॉपिक पे चले जाते हैं। अब हम इंसर्ट मेनू का क्रॉस रेफरेंस यूज करेंगे, क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे, यहां पे दिया है बुकमार्क, यहां पे हम सेलेक्ट करेंगे हेडिंग हम सेलेक्ट करेंगे तो देखिए हमने दो हेडिंग जो बनाई है वो दोनों हेडिंग यहां पे शो कर रहा है। हम एमएस वर्ड पे चले जाएंगे और इंसर्ट कर देंगे तो देखिए एमएस वर्ड टॉपिक की जगह एमएस वर्ड इंसर्ट हो गया। अब हम पेज नंबर पे चले जाएंगे, पेज नंबर पे जाने के बाद
हम इंसर्ट रेफरेंस नंबर पे आ जाते हैं। इंसर्ट रेफरेंस नंबर में आके हम पेज नंबर को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। तो एमएस वर्ड टॉपिक जिस पेज नंबर पे है वो यहां पे इंसर्ट हो जाएगा। सेम चीज हम फिर से करते हैं, सीरियल नंबर हम अपने से डालते हैं, नंबर दो टॉपिक में आ जाएंगे। तो दूसरी हेडिंग हमने बनाई थी एमएस एक्सेल की, तो हम एमएस एक्सेल सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट कर देते हैं। सॉरी, यहां पे पेज नंबर रह गया, इसको हम डिलीट करेंगे। एमएस एक्सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर से हम इसको हेडिंग टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए हमारी दूसरी टॉपिक इंसर्ट हो गई। पेज नंबर पे जब हम आएंगे तो हम ध्यान रखेंगे, हमें बस यहां पे इंसर्ट रेफरेंस नंबर में हमें फिर से पेज नंबर कर देना है और इंसर्ट कर देना है। तो एमएस एक्सेल जिस पेज नंबर पे है वो यहां पे इंसर्ट हो जाएगा। क्रॉस रेफरेंस से हमें फायदा ये होता है कि अब अगर हमें एमएस वर्ड टॉपिक को पढ़ना है तो जैसे ही हम एमएस वर्ड पे जाएंगे वहां आ जाएगा कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलोइंग। हम कंट्रोल बटन के साथ एमएस वर्ड पे क्लिक कर देंगे तो देखिए तुरंत हम एमएस वर्ड वाले पेज पे पहुंच जाएंगे और हम उसको पढ़ सकते हैं। सेम एमएस एक्सेल के लिए भी है, अगर हमको डायरेक्ट एमएस एक्सेल पढ़ना है तो हम एमएस एक्सेल के हेडिंग पे जाएंगे, कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करेंगे तो एमएस एक्सेल पे पहुंच जाएंगे। ये होता है क्रॉस रेफरेंस का यूज। अगला ऑप्शन है हमारा इंसर्ट में हेडर और फुटर। हेडर होता है पेज के सबसे ऊपर कोई भी हेडिंग देने के लिए। हेडर पे हम क्लिक करते हैं, देखिए यहां पे दिया है ब्लैंक ब्लैंक थ्री कॉलम्स और अल्फाबेट, कोई भी यहां से हम एडिट हेडर, हम हेडर को एडिट भी कर सकते हैं, एडिट कर दिए तो देखिए हेडर मतलब सब पेज के सबसे ऊपर। यहां पे हम कोई भी चीज लिख सकते हैं, कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं। जैसे हम यहां पे लिखना चाहें कंप्यूटर, कंप्यूटर नोट्स, हमने कंप्यूटर नोट्स लिख दिया हेडिंग में, क्लिक किया पेज पे डबल क्लिक किया। अभी हम यहां से इंटर करेंगे कंट्रोल इंटर, देखिए अभी हम जिस भी पेज पे जाएंगे वो कंप्यूटर नोट्स करके जो हेडिंग हमने बनाई है हेडर पे वो हर पेज पे आ जाएगा। चाहे जितना भी पेज आप लेते जाइए कंट्रोल इंटर से, देखिए सभी पेज पे वो हेडिंग ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। यानी हेडर में जो नोट्स हम लिखते हैं वो सभी पेज पे ऑटोमेटिक आ जाता है। हेडर हमेशा पेज के ऊपर होता है, इसमें लिखा गया टेक्स्ट प्रत्येक पेज पे ऑटोमेटिक शो करता है। सेम चीज होता है हमारा फुटर, फुटर हमारा होता है पेज के नीचे, प्रत्येक पेज के नीचे लिखा गया टेक्स्ट। कोई ऐसा टेक्स्ट जो हमको प्रत्येक पेज के नीचे चाहिए उसके लिए हम फुटर का प्रयोग करते हैं। हम फुटर ऑप्शन पे जाते हैं, एडिट फुटर करते हैं। अब देखिए पेज के नीचे, अगर हम पेज के नीचे कोई भी टॉपिक लिखना चाहें, हमने पेज के नीचे नाम लिख दिया अपना और हमने जैसे ही पेज पे डबल क्लिक किया, देखिए नाम इस पे है। अब हम जिस पेज पे जाएंगे तो देखेंगे हर पेज के नीचे यानी फुटर में वो नाम शो करेगा। तो हेडर और फुटर का मतलब यही होता है कि कोई भी टॉपिक जो हमको हर पेज पर चाहिए, अगर हेडर चाहिए तो हेडर, फुटर में लिखना है तो फुटर। हेडर का मतलब ऊपर, फुटर का मतलब नीचे। हम इसमें टेक्स्ट को लिख देंगे वो प्रत्येक पेज पे ऑटोमेटिक शो करेगा, हमें हर पेज पे नहीं लिखना होगा। ऐसे ही होता है पेज नंबर, अगर हमको पेज नंबर डालना है तो हम पेज नंबर पे क्लिक कर देते हैं। यहां पे यहां पूछ रहा है पेज टॉप ऑफ पेज यानी पेज के ऊपर नंबर देना है या पेज के नीचे देना है या पेज मार्जिन करना है, जो भी करना है हम पेज टॉप पे आ जाते हैं, पेज टॉप पे नंबर को देते हैं। प्लेन नंबर टू दिया है, प्लेन नंबर वन दिया है, मतलब नंबर को कैसे हम रखना चाहते हैं। अगर हम नंबर को सेंटर में रखना चाहते हैं तो नंबर टू में आ जाएंगे, नंबर टू पे क्लिक किया और यहां पे ओके कर दिया तो देखिए हमारा पेज नंबर टू, पेज नंबर थ्री, पेज नंबर फोर, पेज नंबर फाइव, यानी जितने भी पेज हम लेते जाएंगे पेज नंबर सिक्स वो ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। जैसे अगर हम नया पेज लेते हैं कंट्रोल इंटर करते हैं तो पेज नंबर सात देखिए ऑटोमेटिक आ गया। फिर इंटर करेंगे पेज नंबर आठ, यानी पेज नंबर भी
हमको हेडर फुटर की तरह बार बार नहीं लिखना पड़ता, एक बार हमने कर दिया वो ऑटोमेटिक सारे पेज पे शो करता जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स, ये होता है एक बॉक्स हम बनाते हैं जिसके अंदर हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ सिंपल टेक्स्ट बॉक्स अगर हम क्रिएट करते हैं तो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया तो एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया जहां पे हमारा पॉइंटर रहता है। इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और इसको हम अपने अनुसार कहीं भी स्थित कर सकते हैं। इसको जनरली फोटोग्राफ लगाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम कोई फॉर्म बनाते हैं, हम अगर फोटो लगाना है तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और लिख देते हैं कि अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो इतने बाय इतने की फोटो यहाँ पे चिपकाएं। तो हम फॉर्म बनाते समय भी इसका प्रयोग करते हैं, हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ये ऐसे ही पेज पे बन के आ जाता है। क्विक पार्ट्स, क्विक पार्ट्स क्या होते हैं, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक होते हैं। जैसे हमने यहां पे लिख दिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहां पे हमने लिख दिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहां पे हमने लिख दिया रीड ओनली मेमोरी, हमने रोम और सीपीयू का फुल फॉर्म लिख दिया। अभी हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, चले जाते हैं क्विक पार्ट्स पे। इसमें हम जाएंगे सीधे नीचे वाले ऑप्शन पे, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी में, इसको हम सेव कर लेते हैं। हम क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है नेम, हम इसको मिटाते हैं और इसका शॉर्ट नेम जो होता है वो डाल देते हैं सीपीयू और इसको ओके कर देते हैं। सेम चीज हम रीड ओनली मेमोरी के लिए भी करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, क्विक पार्ट्स में जाएंगे, सेव सिलेक्शन पे जाके इसे भी सेव करेंगे, रीड ओनली मेमोरी की जगह हम रोम लिखेंगे और ओके कर देंगे। अब हम इसको मिटा देंगे। मिटाने के बाद अगर हमने जैसे रोम कहीं लिखा, हम चाहते हैं इसका फुल फॉर्म ऑटोमेटिक आ जाए, तो हम रोम लिखने के बाद रोम पे आ जाएंगे और F3 बटन प्रेस करेंगे, तुरंत देखिए वो अपने फुल फॉर्म में आ जाएगा। हम यहां पे आएंगे, जो भी हमने उसमें सेव किया है उस पे आने के बाद हम उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे और F3 बटन को प्रेस करते ही वो अपना फुल फॉर्म मोड में हो जाएगा। ये होता है हमारा क्विक पार्ट्स। वर्ड आर्ट, ये होता है डिजाइनिंग वर्ड लिखने के लिए। देखिए बहुत से डिजाइन यहाँ पे दिए गए हैं, जिस डिजाइन में हमें लिखना होगा हम उस डिजाइन को सेलेक्ट करेंगे, हम अपने नाम को लिखते हैं। लिखने के बाद जैसे ही ओके करेंगे वो नाम उसी डिजाइन में आ जाएगा। यहां से देखिए डिजाइन दिया गया है, हम डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को और बड़ा कर सकते हैं और चौड़ा कर सकते हैं। अभी देखिए हम जिस डिजाइन में जाएंगे उस डिजाइन में हमारा टेक्स्ट अलग अलग वे में शो करेगा। यहां से बहुत से डिजाइन दिए गए हैं, किसी भी डिजाइन में हम टेक्स्ट को रख सकते हैं। यहां पे शैडो शो दिया है, इसको भी हम किसी भी स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से 3D इफेक्ट दिया है, टेक्स्ट को हम 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं। यहां से बहुत से प्रकार के 3D इफेक्ट दिए गए हैं और शैडो स्टाइल दी गई है, आप किसी में कन्वर्ट करके रख सकते हैं। अगला इंसर्ट में है हमारा ऑप्शन ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, अगर कोई भी मैटर लिखा गया है उसके पहले लाइन के पहले वर्ड को बड़ा करने के लिए, जैसे ये कोई मैटर लिखा गया है इसमें पहले लाइन के पहले वर्ड को अगर बड़ा लिखना है, हमने सेलेक्ट किया, ड्रॉप कैप पे जाते हैं और यहां पे ड्रॉप, जैसे ही हमने ड्रॉप्ड किया देखिए पहले लाइन का जो पहला वर्ड है वो काफी बड़ा हो गया। यहां पे इसके द्वारा हम पहले लाइन के पहले वर्ड को बड़ा करते हैं, ये ड्रॉप कैप का यूज होता है। अगला है हमारा डेट एंड टाइम। ये होता है डेट और टाइम को इंसर्ट कराने के लिए। अगर हमको डेट को इंसर्ट कराना है तो हम यहां से करा सकते हैं, टाइम को इंसर्ट कराना है तो देखिए नीचे टाइम दिया गया है, हम नीचे इंसर्ट करा सकते हैं। दोनों एक साथ इंसर्ट कराना है तो यहां पे दिया है, हम उस पर क्लिक करेंगे, अपडेट ऑटोमेटिकली कर देंगे तो अपडेट भी होता रहता है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो जहां हमारा पॉइंटर है वहां हमारा करंट डेट और करंट टाइम आ जाएगा। अब आते हैं ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करते हैं एमएस वर्ड प्रोग्राम पे काम करते समय किसी दूसरे प्रोग्राम को ओपन करने के लिए। हम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, देखिए आप बहुत से प्रोग्राम ओपन हो गए, हमको जिस भी प्रोग्राम पे काम करना है, जैसे हम पेंट पे काम करना चाहते हैं तो हम बिट मैप इमेज पे चले जाएंगे, ओके कर देंगे। तो अभी देखिए पेंट प्रोग्राम ओपन हो गया, यहाँ पे हम जो भी डिजाइन बनाना चाहते हैं हम डिजाइन को क्रिएट कर लेंगे, इसको पेंट कर लेंगे। पेंट करने के बाद हम यहां से बंद कर देंगे तो वो सीधे बनके हमारे एमएस वर्ड प्रोग्राम पे आ जाएगा। यानी कि एमएस वर्ड प्रोग्राम पे काम करते समय अगर किसी दूसरे प्रोग्राम को ओपन करना है तो हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इक्वेशन, देखिए ये बहुत सारे इक्वेशन बने बनाए रहते हैं, इन इक्वेशन को लेने के लिए आप इंसर्ट का यूज करते हैं, तो यहां सारे इक्वेशन बन के आ जाते हैं, तो यहां से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं या उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा सिंबल। यहां पे देखिए बहुत से प्रकार के सिंबल यहां पे बने रहते हैं जो कीबोर्ड पर नहीं होते, उन्हें इंसर्ट कराने के लिए हम इनका यूज करते हैं। यहां से हम बीटा, पाई, देखिए मल्टीप्लाई का है, तो बहुत से ऐसे सिंबल हैं जो हमारे कीबोर्ड पर नहीं बने होते। देखिए इन सबको हम यहां से इंसर्ट करा लेते हैं, इनकी साइज बड़ा कर देते हैं। आप देख लीजिए जो भी होते हैं हमारे सिंबल जो हमको कीबोर्ड पर नहीं मिलते हैं वो हम इंसर्ट के द्वारा सिंबल में उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने इंसर्ट मेनू पढ़ा जो काफी लंबा टॉपिक था लेकिन इंटरेस्टेड टॉपिक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कवर पेज है ये हमारा फ्रंट पेज लगाने के लिए होता है, ब्लैंक पेज है नया पेज लेने के लिए, पेज ब्रेक इसका प्रयोग हम करते हैं एक पेज को दो भागों में बांटने के लिए, टेबल इसके द्वारा हम टेबल को क्रिएट करते हैं, टेबल को बना भी सकते हैं, बना बनाया टेबल ले सकते हैं, टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जैसे कि आपको दिखाया गया। टेबल बनाने के बाद हम इसके डिजाइन और लेआउट में काफी चेंजेस कर सकते हैं। पिक्चर, पिक्चर को इंसर्ट कराना, पिक्चर में मॉडिफिकेशन करना यानी फॉर्मेटिंग करना, क्लिप आर्ट से इमेज को लेना, शेप बनाना, स्मार्ट आर्ट बनाना, चार्ट बनाना, हाइपरलिंक किसी फाइल को लिंक करना, बुकमार्क कोई भी टॉपिक पढ़ के उसको सेव करके रखना, दूसरे दिन फिर वहीं से पढ़ने के लिए बुकमार्क का प्रयोग, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स बनाने के लिए, और हेडर फुटर कोई भी ऐसा नोट्स जो हम प्रत्येक पेज पर चाहते हैं, अगर हम हेडर में यानी ऊपर लिखना चाहते हैं तो हेडर का प्रयोग करेंगे, फुटर यानी नीचे, अगर पेज में नीचे लिखना चाहते हैं तो फुटर का प्रयोग करेंगे। इसमें लिखा गया मैटर प्रत्येक पेज पे ऑटोमेटिक आता रहता है। सेम चीज है पेज नंबर, अगर हमें पेज नंबर डालना है तो हम पेज नंबर पे क्लिक कर देंगे, हम जितने भी पेज लेंगे ऑटोमेटिक उस पे नंबर आते रहेंगे। टेक्स्ट बॉक्स, ये होता है टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए, क्विक पार्ट्स यानी हम कोई भी मैटर का फुल फॉर्म जो लिखे रहते हैं उसको सेव करके रखने के लिए, वर्ड आर्ट बनाने के लिए, डेट टाइम इंसर्ट कराने के लिए, ड्रॉप कैप करने के लिए, एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग एमएस वर्ड पे काम करते समय किसी दूसरे प्रोग्राम को ओपन करने के लिए, इक्वेशन लिखने के लिए और सिंबल बनाने के लिए। तो ये हमारा इंसर्ट मेनू था जो आज का टॉपिक अभी खत्म हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, ऐसे ही हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और सारे वीडियो को प्राप्त करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।